हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमके गार्डन। तो आप सब कैसे? अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। बोलने में जो भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, प्रेयर चुकर धन्यंकार कर रही हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? ठीक है ना फ्रेंड? देख रहे हैं ना मौसम की किस तरह से डेली का आंधी तूफान आना और डेली बारिश जैसे मौसम होना, बारिश होना। आज तो हमारे इधर देख सकते हैं एकदम धुंधला धुंधला सा है, मतलब पूरे दिन हो गया एकदम बादल बादल जैसे छाए हुए हैं। और ना ही मतलब अभी अभी तक बारिश नहीं हुई है, कल हुई थी, परसों भी हुई थी, लेकिन आज अभी नहीं हुई है। एकदम धुंधला, मतलब मौसम भी नहीं इस तरह का, बिन मौसम की बारिश है तो मौसम भी नहीं ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। अब भगवान की मर्जी, भगवान क्या करते हैं वो तो भगवान ही जाने, जो अच्छा होगा सबके लिए वही करेंगे, पता नहीं क्या, समझ नहीं आ रहा। और इस तरह में थोड़ा डर भी बना रहता है, पता नहीं कब आंधी आ जाए। मुझे आंधी से ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कब आंधी आ जाए, कब बारिश होने लगे। बारिश तो नहीं लेकिन आंधी तो बहुत डर लगता है जब तेज़ी आंधी आती है ना। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से अपने गार्डन के बात करूँगी, वो तो पर्सनल बात हो गई जो मैं, लेकिन मैं आप लोगों से बताऊँ, मैं अपने गार्डन में बैठी हूँ और ऐसे ही मौसम है ठंडा, तो मैं काफ़ी देर से यहीं पर बैठी थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँ कौन कौन से प्लांट पे मेरे फ्लावरिंग किए हैं आज, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कुछ बातें भी करूंगी आप लोगों से। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, सभी का चैनल ग्रो हो, मेरा भी हो। तो आप वीडियो बने रहिएगा, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं, पहले तो मौसम की तरफ देख लो, एकदम धूप नहीं है, एकदम काला काला सा लग रहा है। और अभी टाइम बज रहे हैं 3, 3:30 बज रहे हैं फ्रेंड। तो देखिए नट से ये मेरी ये टहनी टूट गई गुड़हल की, जहाँ नेट गिर जाती है तो ऐसे सब यहाँ पे लगा दे रही हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरे कंडेल में आज कितना खूबसूरत फ्लावर खिला हुआ है, ये देखिए है ना, कितना सुंदर लग रहा है। और कुछ बड्स भी लगी हैं खिलने के लिए, देख सकते हैं। और ये देखिए गुलाब की तरह कितना सुंदर खिला हुआ है, अच्छा लग रहा है ना। और देखिए 3 है मेरे, 1, 2, 3, 4 प्लांट है इसके कड़ैल के, तो बाकी तो खिल कुचे हैं, लेकिन ये देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है, और आप लोगों को कड़ैल खिल रहा है कि नहीं। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग है, बढ़ती हैं। और आगे चल के दिखाती हूँ आप लोगों को और किस में फ्लावरिंग हुई है। इसका फ्लावर आया था लेकिन सूख गया, इसको इधर जो मैंने बनाया हुआ था बोतल कट करके वही रखे हुए हैं। ये टावर रखा हुआ है, देखिए टावर में किस तरह से वटुला का मेरी फैलने लगी है, ये भी टावर में फैलने लगी है। बस फ्लावरिंग आ जाए, मतलब ज़्यादा नहीं खिलती, अभी एक दो खिलती है, तो अभी मैं नहीं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। अच्छे से खिले फिर मैं दिखाती हूँ। पटुला का मैं देखिए ये कलर खिला हुआ है, ये वाइट खिला था और ये मल्टी कलर, और देखिए ऑरेंज कलर है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऑरेंज कलर देख रही कितना खूबसूरत, डेली खिलता है फ्रेंड। इस गुड़हल में देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर खिला है, एक ये खिला है। पता नहीं मौसम का कुछ ठिकाना नहीं है, कितने टाइम बारिश कर दे, कितने टाइम आंधी आ जाए, कोई ठिकाना नहीं मौसम का। देख सकते हैं एक ये खिली हुई है, कितना सुंदर लग रहा है। ये सब फैल चुकी हैं, मैंने जो भी लगाई थी सब फैल चुकी हैं। और मैं अब आपको दिखा दे रही हूँ अपना बेला, देखिए उस दिन मैंने दिखाया था, आज देखिए कितनी सारी बर्ड्स और फ्लावरिंग कर लिया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देख सकते हैं आप।
पूरा व्हाइट ही व्हाइट हो गया है। और ये जो मैं लेकर आई थी ये लगा हुआ है इसमें। अरे दैया इसका क्या, कैसा लग रहा है आपको? आज तो साफ ही नहीं आ रहा क्योंकि धूमिल धूमिल सा दिख रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह से धूमिल धूमिल सा हर चीज़ दिख रहा है फ्रेंड, मौसम की वजह से। और देखिए ये फ्लावर खिला हुआ है और चांदनी में बर्ड्स लगी हैं और मधुमालती अभी नहीं खिली, अभी तो दो ही दिन हुए इसको लाए हुए। और ये है मनी प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो ख़राब नहीं होते फ्रेंड, आप बेझक उन्हें चाहे जितना लगा लें कभी ख़राब नहीं होते। देख सकते हैं मेरा ये लक्ष्मी कमल इसको बोलते हैं, इसमें लगा हुआ है इस मिट्टी में, ये इधर साइड। ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। ये शुगोनिया, ये भी नहीं जल्दी ख़राब होता फ्रेंड। और एक ये बेला फ्लावरिंग कर रहा है, वो हाइब्रिड है और ये देसी है। देखिए इसमें भी बर्ड्स लग चुकी हैं और ये भी फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड। और देखिए मैंने छोटी छोटी सी जो कटिंग लगाई थी वो भी लग चुकी हैं। और जो इधर मैंने छोटी छोटी कटिंग लगाई थी वो सारी लग चुकी हैं। और देखिए मेरे गुड़हल में कितने सारे बर्ड्स लगे हैं खिलने के लिए। ये डेली खिलता है फ्रेंड, डेली फ्लावरिंग करता है। और मेरी नेट की वजह से देखिए किस तरह से इनकी टहनियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि नेट मेरी टूटी है वो हवा जैसे चलती है तो प्लांटों में मेरे आरा से जाती है, मतलब गिर जाती है, तो इसकी वजह से ना सारी टहनियाँ टूट जाती हैं प्लांटों की मेरी। क्या करूँ, कितना बचाऊँ, बहुत बचाती हूँ लेकिन पता नहीं गिर ही जाता है। देख सकते हैं कलंचू कि मैंने पत्ती लगाई हुई थी तो लगी नहीं, सड़ी जा रही, पता नहीं क्यों ख़राब हो चली गई। बरसात के मौसम में फ्रेंड ना जल्दी लग जाती हैं ये पत्तियाँ, कलंचू की पत्तियाँ, ये देख सकते हैं। और ये जेड प्लांट का कनेक्शन, ये है जेड प्लांट। कितना देखिए छोटे छोटे पॉट में कितना ज़्यादा घना हो गया है। और ये मेरा कैक्टस देख सकते हैं आप, ये कैक्टस ना बहुत महंगे मिलते हैं फ्रेंड, बहुत महंगे मिलते हैं। एक ये रहा, और देखिए इनके बेबी निकल रहे हैं छोटे छोटे से। और ये भी देखिए कितने छोटे छोटे से बेबी निकाला, एक ये कैक्टस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये हैंगिंग बास्केट पे लगाने वाली हैं, इसको आप कुछ भी बोले टैटन वाइट या कुछ भी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड। और इसको आप थोड़ी सी भी ना इतनी थोड़ी सी कट करके लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैलती है और येलो कलर का फ्लावरिंग भी करती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, इसको अंदर भी आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती फ्रेंड। पूरा मेरा पॉट भर गया इससे, देखिए कित माला की तरह कितनी सुंदर लग रही है। आ रहा है वीडियो में, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छी लग रही है, देखिए इसकी छोटी छोटी सी पत्तियां, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी छोटी छोटी इसकी पत्तियां हैं, किस तरह से लग रहा है। ये फ्रेंड मैं किसी कहीं से लेकर नहीं आई हूँ, आप लोगों को बता दूँ मैं, ये मेरे ऐसे नर्सरी से मैं जब प्लांट लेकर आई थी तो ये इतनी सी मेरे प्लांट में उगी थी, तो मैंने एक गमले में इसको ऐसे ही लगा दिया था तो ये बहुत सारी फैल गई। जब फैल गई तो बहुत सुंदर लगने लगी थी, तो फिर मैं तब से इसको अपने गार्डन में रखती हूँ,
उखाड़ती नहीं हूँ क्योंकि अच्छी लगती है ना, एक पॉट में अलग से लगा दे तो पूरा पॉट भर जाता है और सुंदर भी लगती है। तो इस और देखिए टाइटल वाइन या फिर वर्डिंग जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसको भी देखिए लटक गई तो कितनी खूबसूरत लगती है। अभी ये जब बरसात होगी तो और बहुत ज़्यादा फैलती है, फिर और बहुत सुंदर लगती है फ्रेंड। तो अगर आपके प्लांट में भी कहीं लगी हो तो फ्रेंड, मेरी आदत है मेरे प्लांटों में कुछ लगा होता है तो मैं उनको निकाल के फेंकती नहीं हूँ, उनको दूसरे पॉट में अलग से लगा देती हूँ ताकि कुछ भी हो तो वो निकल के जब बड़ा हो तो समझ में आता है कि हाँ ये क्या है। और देख लीजिए मेरे हैंगिंग बास्केट में लगाने वाले कितनी ज़्यादा फैल गई है वर्निंग जो है ना, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम दिल की तरह। बहुत ज़्यादा फ्रेंड, काफ़ी सारे मेरे प्लांटों में यही यही लगा पड़ा है, बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो बाय बाय फ्रेंड, लगूँगा डलूँगा फ्रेंड, बोलने में जब भी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। बाय बाय, लव यू, और ये नीलकंठ जिसको बोलते हैं अपारजिता, देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैल गया है। तो बाय बाय फ्रेंड, लव यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।